और ये इसको अगर आप जेनोसाइड भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हरियाणा और राजस्थान की पुलिस और यहाँ की लीडरशिप जो है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, इनको रोकें, इस गैंग को पकड़ें, इनको जेल में डालें। भारत सुनिए, भारत में किसी को इख्तियार नहीं है कि कोई हथियार लेकर जिसको चाहे गोली मारे, जिसको चाहे पकड़े। ये विजिलेंटीज है जिसको ये विजिलेंटीज है जिनको खत्म करना जरूरी है। अभी हम जुनैद के घर को आए हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात की है और पूरे देश को ये बात जानने की जरूरत है कि जुनैद के छह औलाद हैं और जुनैद का एक बड़ा भाई है जो दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, उसके सात बच्चे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तो एक जुनैद की हत्या से 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं, 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं। और ये जितना भी आप इसका कंडेम करें, और अफसोस की बात यह है कि राजस्थान की जो पुलिस है और हरियाणा की पुलिस, वो इन तमाम गुंडों को, क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को खुली छूट दे दी है कि वो आते हैं मेवात में और लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको उठाकर लेकर जाते हैं। जुनैद और नसीर को जो किडनैप किया गया था, उसी वक्त गोपालगंज पुलिस स्टेशन में जाकर इत्तला दी गई, कंप्लेन दी गई, अगर वो फौरन हरकत में आते तो शायद आज वो जिंदा रहते। अभी उनके परिवार के लोग हमको बता रहे थे कि फिरोजपुर झिरका का जो CI है, वहां की जो पुलिस है, वो तो पूरा इस गैंग के साथ मिली भी है। और उनके परिवार के लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस गैंग ने जो 6 एक्यूज जो है, जिनको एलेज एक्यूज है, FIR में नाम है, वो इतना मारे जुनैद और नसीर को, ले जाकर पुलिस स्टेशन में जब उनको दिए तो पुलिस ने इनकार कर दिया उनको लेने से। तो उसके बाद वहां से 170 किलोमीटर दूर ले जाकर उनकी गाड़ी, जली हुई गाड़ी और जली लाश मिली। आप बताइए कि फिर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? आखिर कब तक बीजेपी ऐसे गैंग्स की सरपरस्ती और उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज देगी? कितने लोगों को आप, कितने बच्चों को बेवा करेंगे, कितने बच्चों के टीम करेंगे? आखिर रूल ऑफ लॉ कहाँ है? अरे खुले हथियारों के साथ फिरते हैं, यूट्यूब पर गोली चलाते हैं, वीडियो डालते हैं, सिल्वर बटन मिलता है, फेसबुक पर वारिस को का जिस्म दिखाया गया, उसके बाद वारिस मर गया तो हरियाणा की पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट से मारा, परिवार कहते हैं कि उसको मारा गया। तो ये तो ओपन एक मर्डर है और ये इसको अगर आप जेनोसाइड भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हरियाणा और राजस्थान की पुलिस और यहाँ की लीडरशिप जो है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, इनको रोकें, इस गैंग को पकड़ें, इनको जेल में डालें। भारत सुनिए, भारत में किसी को इख्तियार नहीं है कि कोई हथियार लेकर जिसको चाहे गोली मारे, जिसको चाहे पकड़े। ये विजिलेंटीज है जिनको खत्म करना जरूरी है, वरना रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, अदालत को ताला डालना पड़ेगा, पुलिस को रिटायर करना पड़ेगा अगर नहीं रोका जाएगा तो। क्या नहीं है? आप अंदर हमको बताया गया कि आकर शराब पीकर मेवात के लड़कियों को छेड़ते हैं, जब किसी ने रोका तो वो बच्चे भी जेल में है। वो 3 दिन हो चुका है, 2 स्टेट की पुलिस है, राजस्थान, हरियाणा, नहीं एक आदमी नहीं, 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 नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इन जालिमों को, इन टेररिस्ट को पुलिस का और पॉलिटिकल लीडरशिप का पेट्रोनेज है। जब तक सियासी लीडरशिप इनके साथ रहेगी, इनको कुछ नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए हमारी बात। तो क्या कहा आपने? देखिए आपको फर्क दिख रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। जहां पर मुसलमानों की बात आती है, जहां पर गांव रक्षक की बात आती है, सब के सब एक हो जाते हैं।
अगर गोपालगंज की पुलिस को जब कंप्लेन दिया गया था वो फौरन हरकत में आते तो वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, उनको रोक लिया जाता। सर, कुछ लोग पॉलिटिसाइज करते हुए इसे एक वर्सेस का भी एंगल दे रहे हैं। अरे सुनिए, ये उसको पॉलिटिसाइज वही लोग कर सकते हैं जिनमें इंसानियत मर चुकी है। अगर आप इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो इन सो कॉल्ड गौ रक्षक जहां कहीं विदेश में है इनको रोकिए, वरना पुलिस के जितने आप रिटायर कर दीजिए, कोर्ट्स को बंद कर दीजिए, क्या जरूरत है, इनके हवाले कर दीजिए। पुलिस की बात करें, आप पुलिस की बात करें, मोनू मानेसर जो इसमें आरोपी है वो हरियाणा पुलिस के कई अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए किसकी तस्वीर है? वो जिस शख्स का आपने नाम लिया, वो कासिम को 12 स्टैंडर्ड के लड़के को गोली मारता है, FIR में नाम है, फिर भी नहीं पकड़ रही पुलिस उसको। जिसका आपने नाम लिया उसने वारिस को पकड़कर उसके वारिस के मुंह से खून बह रहा था, फेसबुक पर लाइव किया, उसके बाद डिलीट कर दिया। ये तमाम जालिमों को, टेररिस्ट को पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करता हूं कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार इन लोगों की मदद करना छोड़िए। पुलिस अगर अपना काम नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप काम नहीं करेगी तो देश तो फिर इन विजिलेंटी से चलेगा। वैसे साहब, क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल गाली भी लेने की कोशिश कर रही है भाई? वो देखिए, इन पीड़ित परिवार का एक ही डिमांड है कि उनको सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाए और एक स्पेशल कोर्ट के जरिए उन पर केस चलाया जाए और उनको सजा मिले। और चौथी बात यह है कि ये जो जुल्म हर महीने या 10 दिन में होता है, ये बंद होना चाहिए। इन मेवात के मियों पर, ये गरीब हैं, इन पर आप आकर मारते हैं। और डेटा क्या बताता है? डेटा ये बताता है कि भारत में भैंस बढ़ रही है और गाय कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? फिर आप इनको रोकिए। ये होते कौन है कि अपने हाथ में कानून लेंगे, ये जिसको चाहे मारेंगे, जिसको चाहे मर्डर कर देंगे। बहुत सी जगहों पर कहां कहीं नहीं हो रहा है। देखिए, पिछले चाहे पीलू खान हो, अखलाक हो, ये सब रकबर हो, कितना होगा ये? इसको सरकार को इन मिलिशियास को रोकना और सख्ती से कुचलने की जरूरत है। वरना आप कह दीजिए, सरकार कह दे कि भाई ये लोग ही पुलिस है, ये लोग ही कोर्ट है, उसके बाद देखिए क्या होता है। फिर क्या आप किस राह पर लेकर जाएंगे? ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और ये जो मार रहे हैं मुसलमानों को, रेडिकलाइज हो चुके हैं लोग, हाईली रेडिकलाइज हैं ये लोग। कौन कर रहा है ये? अरे कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है इनको, बीजेपी सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस की सरकार खामोश बैठी है। अगर कांग्रेस की सरकार वहां पर फौरन एक्शन लेती, इनको बचा लेती, रोक देती, कुछ नहीं कर रहे आप। कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी माहौल खराब करना चाहती है। अरे कांग्रेस अगर बीजेपी माहौल खराब, चलिए मैं अशोक गहलोत से कह रहा हूँ कि पुलिस को भिजाइए हरियाणा में, उन तमाम बदमाशों को उठाकर लेकर आइए। आप नहीं जा सकते, पुलिस नहीं जा सकती हरियाणा को। आप नहीं, जब आपने FIR में नाम लिख दिया, जाइए PT वारंट लेकर उठा कर लाइए उनको। कौन रोक रहा है आपको? उनको अरे वो चुनाव की बात नहीं है, नहीं ये चुनाव की बात नहीं है, नहीं ये चुनाव की बात नहीं है, ये चुनाव की बात नहीं है, ये इंसानों की जान की बात है। अरे छोड़िए भाई, सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये जान बचाना है, देश को बचाना है। वरना अगर ये बढ़ता जाएगा तो फिर याद रखिए किसी को भी गोली चला देंगे, किसी को पकड़ लेंगे, किसी को मार देंगे। चलिए।